नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला चकेरी थाना क्षेत्र के सनीगवा के अंतर्गत सिंचाई विभाग के द्वारा नीलामी में मिला टेंडर। हरिशंकर यादव को सील्ड मिट्टी कचरा उठाने की स्वीकृति सिंचाई विभाग से प्राप्त होने के बाद भी विभागीय स्वीकृति प्राप्त आदेशों को न मानते हुए दबंग क्षेत्रीय पार्षद सौरभ तिवारी सत्ता बल के कारण लाखों रुपए की गुंडा टैक्स चढ़ावे के बाद ही काम आगे बढ़ाने की बात मिट्टी उठाने वाले ठेकेदार हरिशंकर से कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर पैसा नहीं दिया वह मिट्टी उठाने नहीं देंगे। हम शासन प्रशासन के आदेशों को नहीं मानते। पार्षद सौरभ तिवारी को सूबे की मंत्री का खासम खास बताया जाता है और मंत्री के दम पर ही अपना रसूख सनीगवा में फैला रखा है। सनीगवा में पार्षद सौरभ तिवारी के नाम से कांपते हैं क्षेत्रीय लोग। बीजेपी पार्षद सौरभ तिवारी की इजाजत के बिना सनीगवा क्षेत्र में एक पत्ता भी नहीं हिलता है और हिलेगा भी कैसे जब पार्षद है सूबे के मंत्री के करीबी और खासम खास है। वही पीड़ित हरिशंकर प्रशासन से मांग कर रहा है कि टेंडर होने के बाद भी बीजेपी पार्षद मिट्टी नहीं उठाने दे रहा है और अपनी जान का खतरा भी बता रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? हरिशंकर यादव जी। हरिशंकर जी, क्या मामला हो गया, क्या बात होगी, बड़ी भीड़ लगी? विभाग के द्वारा ये सिल्ट की नीलामी हुई थी। अच्छा अच्छा। सिल्ट नीलामी में मेरे नाम मिलाट हुई। जी जी जी। हाँ, इसका काम कर रहे थे। हाँ। तो इसके पार्षद जी बोले कि हमें यहाँ समझना पड़ेगा। पार्षद कौन है? पार्षद सौरभ तिवारी। कहाँ के हैं? सनीगवा। किस पार्टी के हैं? बीजेपी के। तो क्या समझना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं? मतलब अलग से उससे चाहिए हमें गुंडा टैक्स। अच्छा अच्छा। नहीं तो आपका इसके पास कागज वगैरह होगा? कागज वगैरह सब कुछ तो है। हमारे कैमरे में दिखा दीजिए। वो हाँ, वो दिखा रहा है जी। ये कागज वो सिंचाई विभाग का है? सिंचाई विभाग से है। डीएम को सब तो इसमें खनिज। अच्छा, यानी आपकी परमिशन है? पूरी परमिशन है। तो इसमें पार्षद जी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए? पार्षद जी का वो टैक्स चाहिए ना। अच्छा, वो गुंडा टैक्स चाहिए उन्हें। अच्छा अच्छा। ऊपर से ऊपर से थाने आप जी, आपने संबंधित थाने में या किसी से शिकायत की थी? अभी नहीं की है। अच्छा अच्छा। आज रुकवाया है कब? जी जी जी। हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रशासन से अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं? आपके पास तो पूरा एविडेंस है सब कुछ। मेरे पास सारे मतलब परमिशन है, सब बात है। मेरे विभाग के कर्मचारी हैं, उनको भी भगा दिया गया यहाँ से। हाँ, उनको फ़ोन करके कोई आना नहीं। और यहाँ कह रहे हैं यहाँ हमें 1,00,000 रुपया चाहिए तभी मिट्टी उठा पाओगे। और गाली दे रहे हैं, मादरचोद मिट्टी नहीं उठाने देंगे। उठा के दिखाओ।